है। एक तो ये भ्रष्टाचार का तरीका या लूट का तरीका चल रहा है। दूसरा तरीका आप देखेंगे कि ब्यूरोक्रेसी में उनका 6th पे कमीशन बनता है, 7th पे कमीशन बनता है और पे कमीशन बनते हैं, और उस समय वो ब्यूरोक्रेट जो है आपस में बैठ करके जो रिसोर्सेज हैं उनका आवंटन आपस में कर लेते हैं। वो कहता है मैंने इतना काम कर, मैं इतना काम करता हूँ, 24 घंटे काम करता हूँ, अच्छा तू भी ले। वो दूसरा आता है मैं इतना करता हूँ, तुम आपस, ये अजीब सा सिस्टम है कि अपने आप हम अपने रिसोर्सेज का अपने आपस में बंटवारा कर लेते हैं और इतनी ज्यादा तनख्वाहें बढ़ा लेते हैं कि जो राज्य सरकार है उसके बारे में उनसे पूछा जा सकता है कि वो क्यों आए, उनका क्या कारण था, कैसे उन्होंने किया। बॉम्बे कमिश्नर आपके मलिक जी थे, वो भी जो पॉलिटिक्स में आ गए वो बनने के बाद एमपी भी बन गए, ठीक है जी, उसमें कोई प्रतिबंध नहीं है। ब्यूरोक्रेट्स जिस तरह से देश को संभालना चाहिए उनको अपने एक्सपीरियंस से देश को संभालना चाहिए। हम जो है चुनाव लड़ेंगे मुख्य रूप से, वैसे और भी क्षेत्रों में 50 कैंडिडेट्स हमारे तैयार हैं और भी जो है आने वाले समय में उनमें बढ़ने की संभावना है, तो इस रूप में मुख्य मुद्दे जो है शिक्षा में परिवर्तन, क्रांतिकारी परिवर्तन लाना है, आमूलचूल परिवर्तन होना चाहिए। 10 फरवरी को ही पहला चरण है क्या? दूसरी चीज जो हमारा जो आर्थिक जो एजेंडा है वो इस रूप में है कि लोगों को रोजगार मिलना चाहिए। जो भी चिंतन है वो इस ढंग का कि लोगों को रोजगार मिलना चाहिए। अभी तक जो आर्थिक नीतियां रही हैं उसका रोजगार पर बहुत गलत प्रभाव पड़ा है, चाहे पहली सरकारें थी चाहे वर्तमान सरकार है, रोजगार जो है वो खत्म हो गया। रोजगार को रिस्टोर करना, लोगों को रोजगार देना या गारंटी रोजगार की देना, ये हमारा मुख्य पहले चरण। डॉक्टर एक चीज और बताइए, जिस तरीके से अभी हाल ही में देखा गया चुनाव आते ही कई IPS अधिकारी या IAS अधिकारी, प्रशासनिक अधिकारी, राजनीतिक, आपका जो एरिया ऑफ थिंकिंग जो है वो बहुत बढ़ जाता है। जब आप किसी क्षेत्र में काम करते हो तो एक पर्टिकुलर क्षेत्र में, मैं पुलिस डिपार्टमेंट में था तो पुलिस से संबंधित में जो समस्याएं हैं वो मैं देखता था, परंतु यहाँ आकर के हम पूरे समाज की चिंता कर सकते हैं। और इसलिए यदि किसी को कुछ अनुभव है और यदि वो कोई आना चाहता है बहुत अच्छी बात है, और यदि वो अपने अनुभव का उपयोग समाज के हित में भी कर सकते हैं बहुत अच्छी बात। अलग लड़ेंगे आप लोग? हम अलग लड़ेंगे, हम अलग लड़ेंगे। एक सवाल है आनंद जी, पिछले आप 2 चुनाव लड़ चुके हैं, दोनों चुनाव में आपने सफलता नहीं प्राप्त की, अब के चुनाव में आपको क्या लगता है, क्या कोई कैंडिडेट आप निकाल लेंगे आमने सामने? देखिए जी, हम जीतने के लिए लड़ रहे हैं, इस बार क्या सफलता मिलती है अभी मैं नहीं कह सकता, परंतु कुछ क्षेत्रों में हमें आशा है कि हमें निश्चित रूप से सफलता प्राप्त। वेस्ट यूपी में लड़ेंगे आप लोगों ने बताया कहाँ किन किन सीटों पे कहाँ कहाँ लड़ेंगे आप? पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बस मेरठ, मुजफ्फरनगर, सहारनपुर, नोएडा, आगरा, मथुरा, ये क्षेत्र हैं जहाँ से हम, गाजियाबाद, इन क्षेत्रों से हम चुनाव लड़ेंगे। ठीक है सर, थैंक यू।